सूरत के उत्तरन पावर हाउस के 85 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को आज जमींदोज कर दिया गया। नियंत्रित विस्फोटक की मदद से टावर को गिराया गया। इस दौरान करीब 50 मीटर के दायरे में धूल का गुबार छा गया। महज 15 सेकेंड और 85 मीटर ऊंचा टावर मलबे में ढेर। ये तस्वीरें सूरत की हैं। यहां उत्तरन पावर हाउस का टावर चंद सेकंड में ही ध्वस्त हो गया। इस टावर की कुल ऊंचाई 85 मीटर थी और इसमें 72 खंभे लगे हुए थे। उत्तरन स्थित बिजली घर के कूलिंग टावर को गिराने के लिए तकनीकी टीम पिछले 2 महीने से तैयारी कर रही थी। इसे गिराने के लिए लगभग 220 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की मदद से ये विशाल टावर महज 15 सेकंड में ही धूल के गुबार में समा गया। लेकिन इस एक्शन के बाद लोगों के सामने एक बार फिर यादें ताजा हो गई। 28 अगस्त 2022 की, जब नोएडा में सुपर टेक की 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराया गया था। सूरत के स्कूलिंग टावर की ही तरह नोएडा का ट्विन टावर भी चंद सेकंड में ढेर हो गया था, लेकिन अब भी उसके मलबे का ढेर सोसाइटी के लोगों को सता रहा है। बताया जाता है कि बीते महीने की 26-27 तारीख से ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मलबा हटने में समय लग सकता है। जब ट्विन टावर गिराए गए थे तो यहां के निवासियों ने ताली बजाकर कदम का स्वागत किया था, लेकिन आज यही मलबा उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एडिफाइस नाम की कंपनी से मलबा हटाने का काम 45 दिनों में पूरा करने के लिए कहा था। लोगों का रहन सहन कितना खराब हो चुका है, इसकी गवाही तो यहाँ के घरों की खिड़की पर लगे पर्दे दे रहे हैं, जो आज सीमेंट वाली हवा में काले हो चुके हैं। सवाल यही है कि भ्रष्टाचार की इमारतें गिर तो रही हैं, लेकिन इस देरी ने कई लोगों की सेहत बिगाड़ दी है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया।